चुपके चुपके जो कोई ईश्वर से दुआ करता है उसकी मंजूर यकीनन वो पिता करता है। उसके दर से ना यूं मायूस हो ना हरगिज, तू तो इंसान है वो चींटे के भी सुना कर है, तू तो इंसान है वो चींटे के भी सुना करता है। प्रभु पास से भी पास है और दूर से भी दूर है, प्रभु पास से भी पास है और दूर से भी दूर है। अज्ञान का पर्दा है बीच में, मिलने से यूं मजबूर है, अज्ञान का पर्दा है बीच में, मिलने से यूं मजबूर है, प्रभु पास से भी पास है। उसका न कोई रूप है सृष्टि में वो अनूप है, कण कण में वो समा रहा सचित आनंद स्वरूप है, सचित आनंद स्वरूप है, वो है निराकार अनुपम पिता, ब्रह्मांड में उसका ही नूर है, प्रभु पास से भी पास है और दूर से भी दूर है। योगी यति वसंत जल करते उसका ही भजन, मुक्ति का मार्ग को
तप ध्यान से मन में लगन, तप ध्यान से मन में लगन, करता जो उसकी तलाश है उसको वो मिलता जरूर है, प्रभु पास से भी पास है और दूर से भी दूर है, अज्ञान का पर्दा है बीच में, मिलने से यूं मजबूर है, प्रभु पास से बेपास है, खंड खंड में वो अखंड है, हर ज्योत में प्रचंड है, कर्मों का फल भी दे रहा, हाथों में न्याय का दंड है, हाथों में न्याय का दंड है, दुष्टों को दंड से रुला रहा, सज्जन के भाव मंजूर है, प्रभु पास से बेपास है और दूर से भी दूर है, अज्ञान का पर्दा है बीच में, मिलने से यो मजबूर है, मृत्यु वे जन्म से शेष है, वो गणेश महेश सुरेश है अपार अनादि वो देवता, राम रख का ये उपदेश है, राम रख का ये उपदेश है, मानव तेरा घमंड तो एक पल में चकनाचूर है, प्रभु पास से बेपास है और दूर से भी दूर है, अजान का पर्दा है बीच में, मिलने से यूं मजबूर है, मिलने से यूं मजबूर है, मिलने से यूं मजबूर है। आर्य समाज के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित आर्य समाज के प्रधान श्री श्यामलाल आर्य जी, आदरणीय केपी जी, त्रिलोकी जी, हमारे बहुत अच्छे भाई महेश जी, सत्यनारायण जी और सम्मुख उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, ये जो भजन मैंने अभी आपके सामने गुनगुनाया है, ये भजन बहुत ही जबरदस्त और बड़ी गहराई लिए हुए है ये भजन, और बहुत पुरानी एक तर्ज है मोहम्मद रफी की, उस तर्ज पर ये गीत था, प्रभु पास से भी पास है और दूर से भी दूर है, अज्ञान का पर्दा बीच में है, मिलने से यूं मजबूर है, और बहुत गजब की बात कही, मृत्यु वह जन्म से शेष है,
जन्म और मृत्यु से भी शेष है, जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं आता परमात्मा। वो गणेश महेश सुरेश है अपार अनादि वो देवता, राम रख का ये उपदेश है। और मानव तेरा घमंड तो एक पल में चकना चूर है, और करता जो उसकी तलाश है उसको वो मिलता जरूर है। प्रभु पास से भी पास है और दूर से भी दूर है। वेद का मंत्र कहता है तद्दूरे तद्वंती के, परमात्मा ज्ञानियों के लिए तो निकट है, ये वेद का मंत्र है, और अज्ञानियों से तो वो दूर से भी दूर है। जो ज्ञानी होता है ना वो परमात्मा के निकट होता है, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। चार प्रकार के भक्तों की चर्चा कृष्ण जी महाराज ने गीता के अंदर की। उसमें ये कहा जो ज्ञानी भक्त होता है वो परमात्मा को बड़ा प्रिय होता है, और ज्ञानी को ईश्वर प्रिय होता है। तो ईश्वर जन्म और मृत्यु के बंधन से बोलो दूर है। तू ईश्वर अवतार नहीं लेता, बोलो क्या नहीं लेता? अवतार नहीं लेता। लोग कहते हैं ना जी जब अधर्म ज्यादा बढ़ जाता है तो ईश्वर अपना अवतार लेकर के किसी को भेजता है, ये बात गलत है। वेद कहता है कि ईश्वर अवतार नहीं लेता, पर हम लोगों ने गीत गाए कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जे चले आना। इस अवतारवाद से देश गुलाम हुआ है। एक स्थान पर महेश जी मैंने ये गीत गुनगुनाया तो हमारी भोली भोली माताएं बहनें नाराज हो गई। मैंने कहा माताओं बहनों नाराज होने की जरूरत नहीं है, कृष्ण के गीत गाओ, पर कृष्ण को यदि ईश्वर का अवतार मान करके गीत गाओगी तो ईश्वर का भी अपमान है और कृष्ण जी का भी अपमान है। आप पढ़ो वेद का मंत्र स परियेगा शुक्र मकायम अभ्रणम, पढ़ो आप वेद का मंत्र अपानी पादो जबनो गृहिता। या तो ये वेद के मंत्र झूठ हैं, बाबा तुलसी ने लिखा बिनु पग चलत सुनत बिनु काना, कर बिनु कर्म करे भी दिनाना। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं नानक एको सुमिरिये जल थल में रहा समाए, काहे दूजा सुमिरिये जो जन्म लेत मर जाए। गुरु नानक देव जी को पढ़िएगा आप। और आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं यदि ईश्वर अवतार लेगा नहीं तो सृष्टि का जो क्रम है बिगड़ जाएगा, जीवों के कर्म फल की जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी, क्योंकि जो अवतार लेता है वो एक देशी हो जाता है, एक देशी हो जाता है। और आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं एक और, तो हम कहते हैं त्वम हिना पिता वसु त्वम माता सतक्रतो बभूविता, कि वो परमात्मा हमारी माता है। एक और हम ये कहते हैं, एक और हम कहते हैं कि वो परमात्मा गुरुओं का भी गुरु है, और दूसरी ओर उस ईश्वर को हम एक देशी मान करके गीत गाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ईश्वर जन्म और मृत्यु के बंधन से दूर है दूर। बहुत सुंदर गीत मुझे याद आता है, नहीं राम बनता नहीं श्याम बनता जन्मों के बंधन से प्रभु दूर है। एक एक पंक्ति को ध्यान से सुन,
नहीं राम बनता नहीं श्याम बनता, जन्मों के बंधन से प्रभु दूर है, जन्मों के बंधन से प्रभु दूर है। कण कण में व्यापक है वो, तन मन में व्यापक है वो, जन्म लेता नहीं आता जाता नहीं, सारी सृष्टि में ही भरपूर है। नहीं राम बनता नहीं श्याम बनता, जन्मों के बंधन से प्रभु दूर है। प्रभु कैसे गर्भ में आता, प्रभु कैसे गर्भ में आता, वो तो सबका पिता और माता, रक्षा करता है वो सबका भरता है वो, नाम उसका ओम ही मशहूर है, नाम उसका ओम ही मशहूर है। नहीं राम बनता नहीं श्याम बनता, जन्मों के बंधन से प्रभु दूर है। जन्म लेता है सो मरता भी है, जन्म लेता है सो मरता भी है, और शोक मोह करता भी है, और शोक मोह करता भी है। जो अवतार भी होगा तो बीमार भी होगा, तन के संग में ये व्याधि जरूर है। नहीं राम बनता नहीं श्याम बनता, जन्मों के बंधन से प्रभु दूर है, जन्मों के बंधन से प्रभु दूर है। वेद कहते हैं वो निराकार है, वेद कहते हैं वो निराकार है, सर्वव्यापक है वो सर्वाधार है। संत कहते सभी महंत कभी और है, नहीं राम बनता नहीं श्याम बन तारे, जन्मों के बंधन से प्रभु दूर है, जन्मों के बंधन से प्रभु दूर है। सारी सृष्टि में वो भरपूर है, सारी सृष्टि में वो भरपूर है। नहीं राम बनता ना श्याम बनता, जन्मों के बंधन से प्रभु दूर है। जो जन्म लेता है वो लो मरता है कि नहीं मरता, शोक मोह बीमार भी होता है कि नहीं होता, तो वो ईश्वर नहीं होता। अजन्मा लिखा है ऋषि ने उपनिषद में, अजन्मा है। आप उठा करके पढ़ना, आप उठा करके पढ़ना, जब महमूद गजनवी आया तो मंदिरों को तोड़ा, किसको तोड़ा, मंदिरों को तोड़ा, और मंदिर से हीरे जवाहरात लेकर के चला गया। पुजारी ने बहका दिया, शस्त्र चलाने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान तुम्हारी भी रक्षा करेगा और हमारी भी रक्षा करेगा। इतिहासकार लिखता है यदि ईंट का एक एक रोड़ा भी फेंक करके मारते तो उनका विनाश हो जाता, पर अच्छे अच्छे गजब के योद्धा शस्त्र लेकर के नीचे रख करके खड़े रहे
और महमूद गजनवी उनको गाजर मूली की तरह से काट के मूर्तियों को तोड़ के हीरे जवाहरात अपने देश के अंदर ले गया। किसके कारण? कि हमने ये मान लिया ईश्वर ईश्वर अवतार लेके आएगा। अवतार ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं कि इस अवतारवाद में फंस करके ये देश गुलाम हुआ। आज भी लोग ईश्वर को जान नहीं पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वो निराकार है, उसका आकार नहीं है। वेद का मंत्र कहता है अणोरणियान महतो महियान, सूक्ष्म से भी बहुत सूक्ष्म है और विशाल गगन से भी विशाल है वो ईश्वर। इसलिए निराकार ईश्वर को जान करके, निराकार ईश्वर को मान करके हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और निराकार ईश्वर के विषय में हमें और जानना पड़ेगा कि वो ईश्वर निराकार है, कैसे वो सृष्टि को चलाता है, कैसे हमारे कर्मों के फल की व्यवस्था देता है, कैसे निर्माण करता है, कैसे प्रलय करता है, यह आपको वेद के माध्यम से पता चलेगा। तो परम पिता परमात्मा ईशा वास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, वो कण कण में रमा हुआ है, पर कण कण में कौन रमा हुआ नहीं है? जीवात्मा रमी हुई नहीं है कण कण में। जीवात्मा तो एक देशी है, परमात्मा सर्वव्यापक है, अनुपम है, सर्वाधार है। इसलिए धर्म प्रेमी बंधुओं, निराकार ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। जब ऋषिवर देवदानंद जी महाराज ने देखा इस देश के अंदर जितने कंकर उतने संकर थे, लोग ईश्वर को भूल करके इधर उधर धक्के खा रहे थे, लोग ईश्वर के नाम लेकर के पशुओं की बलि दे रहे थे और आज भी देते हैं ईश्वर का नाम लेकर के धर्म के नाम पर। अरे मैं कहना चाहता हूं, यदि ईश्वर को प्रसन्न ही करना है, यदि बलि ही देनी है, तो अपनी बलि दे दो ना, इससे बड़ी और अच्छी बलि क्या होगी। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह कांप जाती है। अभी पिछले दिनों पता नहीं कहां की वीडियो थी, एक चिता जल रही थी बहुत जबरदस्त तरीके से, और उस जलती हुई चिता में एक बकरी के बच्चे को फेंक दिया गया। वो बकरी का बच्चा वहां से निकल करके लड़ खड़ा करके गिर गया। उस बकरी के बच्चे को फिर उठाया और फिर उस धधकती हुई चिता में उस बकरी के बच्चे को फेंक दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऋषिवर देवदानंद जी महाराज ने बहुत उपकार किया। उस ऋषिवर देवदानंद जी महाराज ने हमें निराकार ईश्वर की उपासना करने के लिए कहा, ईश्वर से जोड़ा, अपने से नहीं जोड़ा। ये जितने लोग हैं अपने से जोड़ते हैं, अपनी बात कहते हैं, पर ऋषि दयानंद जी महाराज एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने से नहीं जोड़ा, किससे जोड़ा? ईश्वर से। एक घटना मुझको याद आ गई, कुछ माताएं ब्रह्म समाज की माताएं कहीं से आ रही थी। ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा, कहां से आ रही हो? बोले, गुरुजी के पास से आ रही है, सत्संग से आ रही है। कहो तो कल से तुम्हारे पास भी आ जाए। तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा, मेरे पास में मत आना, हां अपने पतियों को जरूर भेज देना, मैं उनको उपदेश कर दूंगा और वो तुमको उपदेश। जरा पढ़ो, ये 220 जन्म जयंती मना रहे हैं हम लोग, बड़े सौभाग्यशाली हैं हम लोग। अगली जो जन्म जयंती होगी ना, उसमें हम लोग नहीं होंगे। इसलिए ऋषि के ऋण को उतारो, ऋषि के मार्ग पर चलो, ऋषि ने जैसा कहा है वैसा करो। इसलिए मुझे बहुत सुंदर पंक्तियां ऋषि दयानंद जी महाराज के विषय में, उनकी 200वीं जन्म जयंती पर ये गीत की पंक्तियां आपको सौंप रहा हूं।
ऐ स्वामी तेरी याद में, ऐ स्वामी तेरी याद में दिल बेकरार है, तेरी कृपा से देश में आई बहार है। ऐ स्वामी तेरी याद में दिल बेकरार है, तेरी कृपा से देश में आई बहार है। ऐ स्वामी तेरी याद में ईश्वर को भूल कर सभी धक्के थे खा रहे अज्ञानता के बादल थे भारत में छा रहे। ईश्वर को भूल कर सभी धक्के थे खा रहे अज्ञानता के बादल थे भारत में छा रहे। गुण गाता तेरे दुनिया का हर एक नर नार है, तेरी कृपा से देश में आई बार है। ऐ स्वामी तेरी याद में दिल बेकरार है, तेरी कृपा से देश में आई बार है। तूने ही आके आजादी का पाठ पढ़ाया रास्ता स्वतंत्रता का तूने ही दिखाया। घर घर में होती आज तेरी जय जयकार है, तेरी कृपा से देश में आई बहार है। ऐ स्वामी तेरी याद में, ऐ स्वामी तेरी याद में दिल बेकरार है, तेरी कृपा से देश में आई वार है। ऐ स्वामी तेरी याद में वेदों का अमृत दुनिया को तूने पिलाया ऋषियों का सच्चा मार्ग भी तूने दिखाया। नंदलाल कृपा से तेरी करता प्रचार है, तेरी कृपा से देश में आई वार है। ऐ स्वामी तेरी याद में दिल बेकरार है, तेरी कृपा से देश में आई बहार है। ऐ स्वामी तेरी याद में दिल बेकरार है, तेरी कृपा से देश में आई बाहर है। ये जो कुछ असर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है, अभी तो और परिवर्तन आएगा। देखना आप, ऋषियों के मार्ग पर चलना ही पड़ेगा, उससे अलग कोई दूसरा रास्ता है नहीं। सारी दुनिया इसी मार्ग पर आएगी और लोग धीरे धीरे, जिसकी आंख खुल रही है, ठोकर लग रही है, वो इस मार्ग पर आ भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आ नहीं रहे, आ रहे हैं। और सारे लोग भयभीत भी हैं, किससे? आर्य समाज से, क्योंकि आर्य समाज सत्य को प्रकट करता है। आर्य समाज प्रकाश की ओर, आर्य समाज जो है संगठन का काम करता है। आर्य समाज तो एक पहरेदार है, उसका काम कर रहा है। आओ हम सच्चे ईश्वर की उपासना करें, उस निराकार ईश्वर को जानें, उसकी उपासना करेंगे तो ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, ईश्वर का प्यार मिलेगा। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो जीवन का
व्यर्थ ही हो जाएगा। आओ, ये थोड़ी सी चर्चा आपसे साझा की है, अब सीधे होकर के बैठेंगे, शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधय शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांते सामा शांतिरेधे ओम शांति शांति शांति। ओम बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगी राज श्री कृष्ण की, बजरंग बलिवीर हनुमान की, महर्षि स्वामी देव दयानंद की, स्वामी ब्रजानंद की, देश के मर वीरांगनाओं की, देश के मर बलिदानों की, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, तृणवंतो विश्व प्रणव ध्वनि, ओ वैदिक कैवादन, सबको सादर नमस्ते।